कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस के विरोध में कांग्रेसियों ने ईडी कार्यालय का घेराव किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में ईडी ऑफिस का घेराव करते समय ईडी दफ्तर के सामने दिल्ली पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया, जिसमें सीएम बघेल के साथ AICC के पद अधिकारी और छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी नेता शामिल रहे। वहीं राजधानी रायपुर में टिकारा पारा स्थित ईडी कार्यालय का घेराव PCC अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में हुआ। इसमें वरिष्ठ नेता सत्यनाम शर्मा और धनेन्द्र साहू सहित कांग्रेस संगठन के पद अधिकारी शामिल हुए। वरिष्ठ विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए भाजपा की केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। हम कांग्रेसी केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से नहीं डरेंगे और लड़ते रहेंगे। मामले को लेकर ईडी कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं एडिशनल SP अविनाश ठाकुर ने कहा, यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोगों ने धरना प्रदर्शन कर ऑफिस का घेराव किया। वहीं इस संबंध में ATM को ज्ञापन सौंपा है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर आज यहां ईडी ऑफिस का घेराव हमारे पूरे कांग्रेस जनों ने किया है। केंद्र सरकार जिस तरह से हमारी कांग्रेस की लोकप्रियता को देखते हुए बौखला गई है और हमारे शीर्षस्थ नेताओं को आज परेशान करने में लगी हुई है और उसके लिए ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो 8 साल के कुशासन, नरेंद्र मोदी जी के कुशासन की विफलता है, उसको भी छिपाने के लिए इस तरह के नए नए हथकंडे अपना रहे। आज पूरी तरह से आज निर्दोष हैं राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, और उसके बावजूद भी आज उनको परेशान करने के लिए ईडी के बयान देने बुलाया, लेकिन इससे डरते नहीं हैं। हमारे राहुल गांधी जी जा कर के बयान दे रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कांग्रेस कमेटी के जो प्रमुख गिरीश दुबे और उनके प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में अभी ईडी कार्यालय के पास आकर उनके खिलाफ जो कार्रवाई उसको लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन ADM महोदय के माध्यम से सौंपा गया और अग्रिम कार्य किया।